हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। दोस्तों, पिछले एक मैं वीडियो बनाया जो बिजली गिर जाने के बाद जो टीवी का प्रॉब्लम हो गया था, उसका पावर सेक्शन का चारों डायोड के अंदर एक डायोड शॉर्ट हो गया। तो वो डायोड लगाने के बाद उसका सप्लाई वोल्टेज सब कुछ ओके आ गया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम हो गया और जो अलग प्रॉब्लम, वो ईएसटी नहीं बन रहा था। तो इसलिए मैं सब कुछ वोल्टेज चेक करके देखा है, ठीक है। तो उसका जो वोल्टेज चेक करने का समय जो देखा है कि 64 नंबर जो पिन होता है, जो स्टैंड बाई पिन, चाइना किट का 8888IC का जो स्टैंड बाई पिन 64 नंबर, वहाँ पर वोल्टेज भी मिला, लेकिन स्टैंड बाई ऑन करने का बहुत कोशिश किया, वो स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये कौन सेक्शन का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम के लिए कौन पार्ट्स भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं अब वो वीडियो में बात है कि आपका ये प्रॉब्लम को पर नॉलेज है तो आप बता सकते हो। लेकिन मैं देखा कुछ कमेंट आया, लेकिन एक कमेंट जो होता है कि हरमेंद्र सिंह, ठीक है, हरमेंद्र सिंह जी ने वो सिर्फ एक छोटा सा कमेंट कर दिया। कॉमन के अंदर वो लिखा है कि मेमोरी इज डैमेज, सिर्फ ये छोटा सा कमेंट है। तो दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो दोस्त को मैं थैंक यू देता हूँ कि ये कमेंट करने के लिए। तो चलिए, ए पीसीबी को नेक्स्ट मैं आगे बढ़ाऊँगा और देखूँगा इसका क्या प्रॉब्लम है और कौन सा पार्ट्स डैमेज मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो दोस्त ने पहले नहीं देखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो वीडियो का लास्ट एक बार दिखाता हूँ कि इसका कौन कौन वोल्टेज ओके देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो का और क्लियर करके आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा और इसका प्रॉब्लम क्या मिला है तो ये भी आपको इस वीडियो में देखूँगा। तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिए कि बिजली गिर जाने के बाद ए पी सी बी का प्रॉब्लम हो गया। दोस्तों, और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों, फर्स्ट इसका ई एस टी सप्लाई देखिए, ओके है, 110 वोल्ट का जगह 111 वोल्ट, ठीक है। और इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर ये वोल्टेज जाता है, ये आपको दिखाया वो वीडियो में, तब भी एक बार दिखा देता हूँ। इसका 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज एक बार देख लीजिए, ई एस टी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट, मतलब इसका ई एस टी नहीं बन रहा है। तो इसका जो अलग अलग वोल्टेज में सब कुछ दिखाया, देखिए वर्टिकल सप्लाई ये भी वोल्टेज ओके है, ठीक है, और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई वोल्टेज ओके है, और ये साउंड आईसी सप्लाई वोल्टेज ओके है। तो सभी वोल्टेज ओके देखा जाता है। तो और जो आपको इस वीडियो में क्लियर करके देखाया, तब भी और एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये स्टैंड बाई ऑन होने का जो सिस्टम होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, जो ई एस टी ऑन प्रोसेस का वीडियो है। तब भी ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, इसका ड्राइवर सप्लाई भी ओके है, ठीक है, और इसका ड्राइवर सप्लाई का जो आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्ट, ये भी ओके है, और ये वोल्टेज ट्रांजिस्टर पर जाता है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर, और उसके बाद ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर थोड़ा सा 0.5 वोल्ट का आसपास आना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं है, क्योंकि वो सिग्नल वोल्टेज आईसी से आता है, ठीक है। और वो सिग्नल वोल्टेज आईसी से तब आएगा जब आईसी के अंदर 8 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो 8 वोल्ट तब जाएगा जब स्टैंड बाई से पीसीबी ऑन होगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपको जो देखना पड़ेगा, फर्स्ट दोनों वोल्टेज एक साथ आउटपुट होता है, जो ट्यूनर का पास एक 5 वोल्ट जाता है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आई के वोल्टेज बेस बोर्ड पर जाता है, ये पॉइंट से आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट भी 8 वोल्ट नहीं है। तो कैसे ई एस टी बनेगा, तो चलिए इसका रीजन क्या है आपको दिखाऊंगा। मेमोरी सप्लाई देखिए 5 वोल्ट ओके है, तो ये 5 वोल्ट मेन आईसी का भी सप्लाई है, ठीक है। तो मैं और ये जो 64 नंबर पिन, जो स्टैंड बाई पिन, यहाँ पर वोल्टेज ये रुक गया, तो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्टेज 0 हो जाता है। तो स्टैंड बाई ऑन होने का जो तरीका होता है, जो पैनल जो जैक होता है, यहाँ पर 5 वोल्ट भी ओके है, ठीक है। ये जो पैनल जैक होता है, ये पैनल जैक को आप थोड़ा सा पानी लेके, ठीक है, उंगली से टच करने के बाद, जिस तरह मैं देखा था, देखिए, तो वह स्टैंड बाई रिलीज हो जाता है। और एक बार देखा है आपको, इस तरह मैं किया, लेकिन स्टैंड बाई से रिलीज़ ये नहीं हो रहा है। और दोस्तों, और एक तरीका है, कुछ कुछ पीसीबी के अंदर ट्वीजर लेके और कुछ भी लेके
ये पॉइंट पर सेट करने के बाद भी वो स्टैंड बाय से रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैं टेस्ट करके देखाया, इस तरह टेस्ट करने के बाद भी वो स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ, जो दोस्त ये वीडियो न्यू दिखता है तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। मैं दो चार बार ट्राई किया, कोशिश किया अच्छा करके आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों सब कुछ आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरह ये पीसीबी को आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं इस तरह सब कुछ टेस्ट किया तब भी ऑन नहीं हो रहा है। मैं रिमोट लेके भी आपको एक बार चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ से वो जो वीडियो मैं बनाया आपको वो पहले वाला वीडियो पर नहीं दिखाया। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो शुरू से लास्ट तक, स्किप मत कीजिए, स्किप करेगा तो कुछ भी पॉइंट आप मिस कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका ESD सप्लाई ओके है। ठीक है, और 180 वोल्ट का लाइन, 180 वोल्ट का लाइन, ये भी सेम वोल्ट है, तो इसलिए आपको कन्फर्म होना चाहिए कि इसका ESD ऑन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इतना दूर तक वो वीडियो में आपको दिखाया, तो चलिए एक बार रिमोट लेके PCB को ऑन करके देखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस तरह PCB को सीधा किया कि इसका जो रिमोट का जो पॉइंट है ये मैं कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद मैं रिमोट से भी कोशिश किया स्टैंड बाय ऑन करने का, दोस्तों तब भी ये PCB स्टैंड बाय से ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो मैं बहुत बार ट्राई किया, तो इस तरह भी आपको चेक करके देखना होगा कि पैनल जो होता है, पैनल सिग्नल लाइन जो IC पर जाता है, वो IC का पिन भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो सिग्नल लाइन भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं रिमोट लेके ट्राई किया, तो तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तब देख सकते हो इसका इंडिकेटर आप फॉलो कीजिए, इसका इंडिकेटर भी जल रहा है, अब धीरे से और ध्यान से देखेगा तो। ठीक है, इसका इंडिकेटर, रेड वाला इंडिकेटर देखिए, ये जल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो चलिए नेक्स्ट में और क्लियर करके आपको समझने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जब मैं ये मेमोरी IC को चेंज किया, ये 24C8 का, ठीक है, मेमोरी IC है, चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम जो ऑन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और इसका स्टैंड बाई वोल्टेज जो होता है वो रिलीज हो गया। ठीक है, वो ऑन हो गया। दोस्तों ये जो 64 नंबर पिन पर अभी देखिए वोल्टेज 0 है। ठीक है, और ये जो ट्यूनर का पिन पर देखिए, अब ध्यान से देखिए कि ये वोल्टेज डाउन है, जो 5 वोल्ट होना चाहिए, ये भी अड़क प्रॉब्लम है। और ये जो 8 वोल्ट का पिन है, जो IK वोल्टेज, ये भी वोल्टेज डाउन है, 8 वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये भी अड़क प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजली गिर जाने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और ट्यूनर पिन पर वोल्टेज आपको देखा तो देखिए ओनली 3 वोल्ट का आसपास है, जो 5 वोल्ट होना चाहिए। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब देख सकते हो स्क्रीन भी ग्रीन है, तो चलिए फर्स्ट वोल्टेज ठीक करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह ये दो तीन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक अलग सा पुराना IC में लगाया। ठीक है, और लगाने के बाद देखिए ये जो हाइट, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये छोटा हो सकता है, ये सर्विस मोड से एडजस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो वोल्टेज प्रॉब्लम था, वो वोल्टेज में चेक करके जो देखा है और जो मिला है, ये भी आपको दिखाता हूँ, ये आपको और अच्छा करके एक बार दिखा देता हूँ कि आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाए। कि दोस्तों मैं मीटर लेके आपको और एक बार दिखाता हूँ कि मैं दोबारा मैं सप्लाई दे दिया, और सप्लाई देने का साथ साथ जो ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट, ये देखिए फर्स्ट ये आ जाता है। ठीक है, 4.4 वोल्ट के आसपास आ जाता है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये वोल्टेज डाउन हो जाता है, और 8 जो वोल्ट होता है, जो IK वोल्टेज रेगुलेटर से आता है, ये भी ये नहीं बढ़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है, तो ये दोनों वोल्टेज डाउन क्यों हो जाता है, तो चलिए आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इसलिए ये PCB रेडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसलिए मैं थोड़ा सा काट करके वीडियो दिखाता हूँ, तो ये रेगुलेटर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो दोस्तों जब मैं अच्छा करके सब कुछ देखा है, आपको मीटर को बार्जर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन है, और ये मैं नेगेटिव के साथ जब कनेक्शन करके देखा तो देखिए इसका रीडिंग जो ओम्स होता है 500 ओम्स का आसपास,
अब देख सकते हो, देखिए 400-500 ओम्स के आसपास ये जो 5 वोल्ट पिन ट्यूनर का, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्यूनर पिन को जब मैं ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन करने के बाद इसका जो वोल्टेज प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से प्रॉब्लम से भी हो सकता है, और वो जो सप्लाई लाइन वो लाइन का कुछ भी पास प्रॉब्लम से भी हो सकता है, और आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट आईसी को ही मैं चेंज करके देखा है, और लास्ट ये जो प्रॉब्लम मिला है ट्यूनर पिन को मैं ओपन कर दिया। अभी ओपन करने के बाद ये देखिए पॉइंट पर अभी 5 वोल्ट आ गया, 4.9 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और इसी का साथ जो 8 वोल्ट होता है जो आईक्यू वोल्टेज, ये भी वोल्टेज ओके हो गया। देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 8 वोल्ट ये ओके हो गया। तो दोस्तों उसका बाद भी और एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो वोल्टेज ओके हो गया। तो दोस्तों इसका जो और एक प्रॉब्लम है ग्रीन स्क्रीन, दोस्तों ये भी बहुत क्रिटिकल फॉल्ट है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के लिए को जो आइडिया होता है कि ये बेसबोर्ड का प्रॉब्लम है, ट्रांजिस्टर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आईसी तो मैं अलग लगा है, तो इसलिए इसका ऊपर डाउट तो क्लियर होना चाहिए कि आईसी ओके है, आईसी फॉल्ट नहीं है। तभी ये देखिए वोल्टेज बेसबोर्ड का, एक पिन पर वोल्टेज ओनली 3 वोल्ट के आसपास जो कैथोड पिन है, ठीक है। उसके बाद ये दो फिलामेंट पिन है, ये अलग बात। उसके बाद ये आर एक कैथोड पिन है जिसका वोल्टेज ओके है 170 वोल्ट के आसपास, ठीक है। और उसके बाद G2 पिन का बाद ये पिन का वोल्टेज 170 वोल्ट का ये भी आसपास ओके है, लेकिन ये जो पिन है कैथोड पिन, ये पिन पर वोल्टेज देखिए बहुत कम है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम का ऊपर आपका नॉलेज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट कर दीजिए कि ये कौन पार्ट्स का प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो तब भी आपको और क्लियर करके मैं दिखाता हूँ कि आप देखिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ये पिन पर जो कैथोड पिन सप्लाई रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, यह पर भी वोल्टेज डाउन है, लेकिन और जो दो रेजिस्टेंस है दोनों रेजिस्टेंस का आउटपुट पिन पर वोल्टेज ओके है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो सप्लाई जो 180 वोल्ट का लाइन, यह पर भी वोल्टेज मौजूद है, ठीक है। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए इसका प्रॉब्लम कौन पार्ट से होता है। तो दोस्तों ये वीडियो तब भी लॉन्ग हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो जो प्रॉब्लम ये मैं क्लियर काट देगा, तब तक आप कमेंट कीजिए। और उसका साथ आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस बहुत हीट हो गया, ठीक है, बहुत हीट हो गया, इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वीडियो ज़रूर आपको ये पीसीबी को रेडी करके देगा, तब तक आप कमेंट करते रहिए। आपका जो नॉलेज है आप कुछ यूट्यूब वीडियो देख के ये सीखा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। आपका कमेंट मुझे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर करके बताऊंगा, तब तक आप ज़रूर कमेंट कर दीजिए। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ये वीडियो का ये स्क्रीन लास्ट में वो वीडियो दे देगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।